ऐसा स्टेज जहां कुदरत के शानदार प्लेज होते हैं। ये जगह बिग फाइव के लिए जानी जाती है, पर यहां कुछ ऐसे जीव भी रहते हैं जिन्हें पहचानना हमारे लिए मुश्किल है। शिकारी से शिकार तक इकोसिस्टम का ऐसा साइकिल जहां छोटे से बड़े जीव तक एनर्जी फ्लो होती रहती है। सवाना 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर पर और 27 अफ्रीकन देशों पर फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि सवाना में और कुछ नहीं बल्कि सीधी सादी घास ही उगती है। साउथ अफ्रीका के सवाना में घास की कई किस्में पाई जाती हैं। नीचे पौधे हैं और सबसे ऊपर हैं शिकारी। लाखों सालों से ये इलाका जिंदगी और मौत की कहानियों का गवाह बना है। ग्रासलैंड्स ग्रेजर्स के झुंडों के लिए किसी दावत से कम नहीं है, और उन कार्निवोर्स के लिए भी जो उनका पीछा करते हैं। शेर सवाना के सबसे जबरदस्त शेरनी की साथी भी उसकी खुशी में शामिल है। ये मिलीजुली कामयाबी है। ज्यादातर शिकारों में इन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। प्राइड शिकार को देखकर फूला नहीं समाया। इस शिकार से इनके पूरे परिवार का पेट भरेगा, जिसमें बढ़ते बच्चे भी शामिल हैं, और इससे कई दिनों तक इनकी भूख शांत हो जाएगी। ऐसे ही हादसों की वजह से सवाना के फूड चेन की एनर्जी आगे बढ़ती रहती है। हर्बीवोर्स पौधों को खाते हैं और कार्निवोर्स हर्बीवोर्स को खाते हैं, यानी एक तरह से वो भी पौधे खाते हैं। सवाना नाम सुनते ही है साल भर की गर्मी और गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर का और बढ़ जाना, और साथ में गर्मियों की बारिश। घास को फलने फूलने के लिए 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। और हाँ, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब जीव आकर सवाना की घास चरते हैं तो उसी चरने से नई घास को और उगने का मौका मिलता है। इस इकोसिस्टम में मौजूद सारे जीवों का पेट भरने के लिए सबसे पहला कदम है सूरज की एनर्जी का सही इस्तेमाल। पर जीव यहां सिर्फ खाने नहीं आते, ये एक सेफ जगह भी है जहां जीवों को शेल्टर मिलता है। इनके खाने की आदतों से यह इलाका घास का खुला मैदान बना रहता है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जंगल बन जाता। हाथी करीबी रिश्तेदारों का झुंड बनाकर रहते हैं, और उन सब की मुखिया भी फीमेल ही होती है। वो इस इलाके का चप्पा चप्पा जानती है और खाने की सबसे जरूरी जगहों को भी पहचानती है।